सो हे गाइस, कैसे हो यार आप लोग? आज को न्यू वीडियो के साथ, और गाइस इस वीडियो में दो रॉयल पास का गिव अवे करने वाला हूँ। अब गाइस देखो, बहुत दिन हो चुके थे मैंने कोई गिव अवे वगैरह नहीं रखा था, और सीरियसली बताऊंगा यार, जब से पबजी बैन हुआ है ना, पबजी खेलने का मन नहीं करता। बट अब मैं रेगुलर वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया हूँ, बिकॉज पहले से मैं थोड़ा सुधर चुका हूँ, ठीक है। यूट्यूब को पहले मैं सीरियस नहीं ले रहा था, जस्ट बिकॉज पबजी इंडिया में बैन था, तो क्या ही करता मैं, मतलब अपलोड अपलोड करके, और कोई साल मेरे को गेम खेलने का मन भी नहीं करता था। के आर गेम खेलता था, बट के आर में मज़ा नहीं आता था खेलने में, लेकिन फिर भी चलो गेम पे अपलोड करना पड़ेगा, यूट्यूब को भी थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, कुछ तो सीरियस लेता हूँ मैं लाइफ में, ऐसा मेरा वहम था। बट अब मैं यूट्यूब को कंटिन्यू करूँगा, डोंट वरी। फिर गाइस मैं बोल रहा था दोनों रॉयल पास के बारे में। अब देखो गाइस, यार सिंपल स्टेप है, अब इसमें करना क्या है आपको, देखो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, ठीक है, और अपना करेक्टर आईडी जो है अपने गेम का, चाहे वो के आर का हो चाहे वो पबजी का हो, मतलब पबजी मोबाइल का इंडिया का वो वाला ग्लोबल, ठीक है, वो उसको आपको लगाना है, और एक कमेंट करना है, आपको अपने बारे में कुछ लिख देना है, जैसे आपका नाम क्या है, ठीक है, आपका इंस्टा या फिर आप फेसबुक पे या फिर ईमेल अपना आईडी देना, क्योंकि देखो गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि जिस बंदे का नाम आता है ना, वो लोग मतलब फेक आईडी बना के कुछ कुछ और बंदे लोग भी मतलब लेने को ट्राई करते हैं, बट ऐसा नहीं है। फिर भी मैं क्यों रिस्क लूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि देखो यार ऑब्वियसली रॉयल पास है, किसी का हक मैं मार नहीं सकता, अगर उसको इसका हक मिला है, उसको चाहिए होगा तो भाई मैं उसको दूंगा, सीधी बात है। फिलहाल मैं बात कर रहा था कि रॉयल पास में पार्टिसिपेट कैसे करना है। अब देखो गाइस, सबसे पहला बात मैंने आपको बताया, इस वीडियो को लाइक करना है, और इस वीडियो को शेयर करना है, और एक कॉमेंट करना अपना करेक्टर आईडी, और अपने बारे में कुछ लिख देना, और मेरे बारे में मतलब गाली मत लिखना खाली, और सब कुछ लिख देना, वैसे कुछ लोग हैं यार लिख देंगे गाली मेरे को। फिलहाल गाइस यही तीन स्टेप आपको फॉलो करना है, और एक बात मैं बोल रहा था, के आर वालों का जो करेक्टर आईडी आएगा उनको के आर वर्जन में आरपी मिलने वाला है, और जो ग्लोबल वर्जन का आने वाला है करेक्टर आईडी, वो उनको ग्लोबल वर्जन में मिलने वाला है। तो इसका आप लोग टेंशन मत लीजिए कि मेरा करेक्टर आईडी आपको के आर में मिलेगा या फिर ग्लोबल में मिलेगा, इसका आप टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपका जो मतलब रहेगा, जैसे मान लीजिए, मेरा करेक्टर आईडी है 521421853, तो ये मेरा है ग्लोबल का, तो मैं इसके बगल में ब्रैकेट देकर जीबी लिख दूंगा, ठीक, तो उससे मुझे पता चलेगा कि आपका ग्लोबल का है या फिर के आर का है, और जिनका के आर का होगा, जो भी उनका, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया 521421853, जीबी में लिखा था, जीबी की जगह पे आपको के आर लिख देना है, और अपना जो नाम है आपका, जैसे मेरा तो ITAKJ है, ठीक, तो ITAKJ को भी पेस्ट करना है एग्जैक्ट जैसा वहाँ था, तो मुझे जाकर पता चलेगा कि वो आपका ही आईडी है कि नहीं, ठीक है, तो ये करना है। और साथ ही साथ कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला था जीमेल, फेसबुक, इंस्टा का कुछ भी दे देना, वहाँ पे चलेगा। तो गाइस फिलहाल गेम प्ले को आप लोग इन्जॉय करो, और मैं आपको ये तीन बात क्यों बोला था करने के लिए, बिकॉज देखो मैंने ये सब फिल्टर लगा के रखा है। जब मैं राउंड को निकालूंगा कि कौन जीता है ये दो रॉयल पास, तो ये मैं फिल्टर उसमें लगा के रखूंगा, ठीक है। तो भाई साहब थोड़ा सा मतलब ध्यान देना इस चीज़ के लिए, और नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, और गाइस थैंक यू सो मच वीडियो हम लोग देखने के लिए, और सीरियसली मैंने भी सोचा नहीं था कि लाइक हमारे 3000 सब्सक्राइबर इतनी जल्दी पूरे होने वाले हैं, तो होप सो अगर आप लोग मदद कर सकते हो 3000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरा होने में, तो वो भी बेटर रहेगा। फिलहाल गाइस थैंक यू सो मच, और होली तो भाई मिस कर दिया मैं, फिर भी हैप्पी होली सभी को, एंड वीडियो देखो यार, वीडियो पसंद है तो लाइक मत करना, ठीक है, डिसलाइक करना, बताओ आप लोग लाइक करोगे नहीं, डिसलाइक करोगे, वैसे ये रॉयल पास जीवन में चल रहा है, क्या पता लाइक नहीं कर सकते, कुछ कुछ है हरामी लोग, देखो जैसे हंस रहे हैं ये लोग, देखो। फिलहाल गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।